हरियाणा के यमुनानगर में शहर में आपको बता दें दूध दही खाने वाले छोटे बच्चे और युवतियां एनीमिया और कुपोषण के शिकार पाए गए हैं। इसे दूर करने के लिए हरियाणा सरकार और बाल विकास की तरफ से बच्चों और महिलाओं के खान पान में हरी सब्जियां और बाजरा परोसा जाएगा। आपको बता दें जिससे उन्हें कुपोषण से दूर किया जा सके। महिला एवं बाल विकास आयुक्त और सचिव अवनीत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1 से 30 सितंबर तक पोषण माह मनाने की घोषणा की है, जिसे दूर करने का संकल्प जो है लिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में बढ़ते कुपोषण को लेकर महिला एवं बाल विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये स्टेट लेवल का कार्यक्रम तो माननीय मंत्री महोदय की अध्यक्षता में प्लान किया हुआ है, आने वाले दिनों में होगा। आज यमुनानगर में माननीय डिप्टी कमिश्नर महोदय और हमारी टीम का यही मैसेज था कि सिर्फ हेडक्वार्टर पे सीमित ना रख के कार्यक्रम जो है वो जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर नीचे गांव स्तर तक लेके जाएं, ताकि जो प्रधानमंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है कि जो कुपोषण माह है उसमें हर जन इसको जन आंदोलन बनाना है और सभी बच्चों को, शिक्षकों को और न्यूट्रिशनिस्ट को और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के मार्फत पूरा महिला और बाल विकास जो विभाग है वो अग्रसर होकर इसको मनाए, ताकि हमारे बच्चों को, महिलाओं को हम कुपोषण मुक्त और अनिमिया